सो आज मैंने जिंदगी में पहली बार तमिलनाडु के लोगों के हाथ का बना हुआ कुछ खाना पीना ट्राई किया, मगर एक चीज जो मुझे एंड तक सताती रही मगर टेस्ट में कैसा है, चलो आओ इनके बनाने के प्रोसेस को देखते हैं। एक तरफ ढोसों की लाइन लगी हुई थी तो दूसरी ओर उत्पम, जो साउथ का फेमस फूड माना जाता है। मगर यहां हैरत की बात तो ये है कि दिल्ली में भी इस फूड को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अब इनके बनाने का स्टाइल एंड कलाकारी बिल्कुल अलग थी, जो अब से पहले मैंने कभी नहीं देखी। उत्पम के प्राइस थे 100 रुपए और ढोसे का 70 रुपए, कोई ज्यादा भी नहीं है। एक चीज मैंने यहाँ और देखी, सभी चीजों को टेस्ट में अच्छा बनाने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं ये लोग और लागत भी पूरी तरह से लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि 70 रुपए का है तो पेलम पाली कर दो। अब खाने के लिए पब्लिक यहाँ इतनी ज्यादा होती है कि इनका हाथ तक खाली नहीं रहता। सो मैं था लोधी रोड पर और यहाँ यही एक फेमस ऐसा ढाबा है जिसको खाने के लिए लोगों का भंडार लगा रहता है। अब बारी थी सांभर वड़ा बनाने की, जिसके लिए वड़े को कढ़ाई के अंदर बहुत अच्छी तरह सेका जाता है, मगर इन सब चीजों का रिजल्ट क्या होगा ये हमें बहुत जल्द ही पता चलेगा। इतने आप शेयर करते हुए सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लो। अब हमारा ढोसा यहाँ रेडी हो जाता है, इवन हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों का। चटनी और सब्जी देके हमारे हाथ में दे दिया गया और इधर वड़े भी पूरे बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। तो मैंने लिया था एक डोसा और एक सांभर वड़ा, जो लिटरली बहुत ज्यादा हेवी हो गया था, और हमारा गर्मा गर्म सांभर वड़ा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो हमारे हाथ में आ गया। बस अब बारी होती है तुड़ाई करने की और ये जानने की कि आखिर टेस्ट कैसा है। अब मैंने जैसे ही तुड़ाई की तो शुरू में ही मुझे स्वाद आ गया था, टेस्ट में लाजवाब है, मगर गर्म बहुत ज्यादा हो रहा था। अब तुड़ाई करके देखते हैं सांभर वड़े की कि आखिर ये कैसा है। कढ़ाई से निकल के आया था तो इसलिए गर्म बहुत ज्यादा था, तुड़ाई करने में इतना आसान नहीं होगा। मुझे इसका भी टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। किसी ने मुझे बताया था कि तमिलनाडु के लोग खाना बहुत ज्यादा अच्छा बनाते हैं, मगर ये 70 रुपए का डोसा कुछ ज्यादा ही हेवी हो गया था, क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स ही नहीं बल्कि मटेरियल भी बहुत कूट कूट के भरा था। और 50 रुपए का सांभर वड़ा कोई बुरा तो नहीं है। अब इनका ढाबा बहुत ज्यादा चलता है कंपैरेटिवली अदर्स ढाबे। अब और लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नाम चलने पर धक्का पेली शुरू कर देते हैं, मगर यहां ऐसा बिल्कुल नहीं था। बॉस शेयर करके सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना। जल्द मिलेंगे, खुदा हाफिज।